आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी न्यूज। तो चले चलते हैं ताजा खबरों की ओर। ग्राम प्रधान पद प्रत्याशी ने जनता का दिल जीतने का कार्य किया। अमेठी जनपद के सिंहपुर विकास खंड क्षेत्र के भवानीपुर भावी प्रधान पद प्रत्याशी फौजी गुलाम रसूल ने इस महामारी के चलते सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री गुप्त मदद करने का कार्य किया और उन्होंने कहा, यदि हमारे ग्राम सभा की जनता ने हमको प्रधान बनाया तो हमारा गांव विकास के नाम पर बहुत आगे ले जाऊंगा। और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ की जनता पर पूरा भरोसा है कि हमको प्यार मिलेगा। और गांव वालों से अपील की, आप लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें और हमारे लायक जो भी मदद हो हमको बताएं, हम पूरी ग्राम सभा की जनता के साथ हैं। और पाक परवरदिगार आलम से दुआ की देश में अमन चैन भाईचारा की बात हो। अमेठी से जिला संवाददाता आमिर हुसैन की खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं इंडिया तक लाइव टीवी, कैमरा मैन नानबाउक साथ जिला संवाददाता अमेठी आमिर हुसैन। जैसा कि आपको बताते चलो, आज इस मतलब आपको बताते चलो कि चुनाव आ रहा है प्रधानी को लेके, तो मैं जिस प्रकार से आज ऐसे इंडिया तक चैनल के माध्यम से इस बातचीत करूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद के सिंहपुर विकास खंड क्षेत्र के भवानीपुर के एक भावी प्रधान पद प्रत्याशी गुलाम रसूल साहब के यहाँ मैं आया हूँ। जैसा कि इन्होंने कोविड-19 के चलते चाहे लोगों की मदद करने की बात रही हो, तो इन्होंने देश की सेवा किया है। ऐसे से प्रधान बनते हैं कि जो है एक विकास बहुत अधूरा रह जाता है, लेकिन इनकी मंशा एक ग्राम सभा भवानीपुर को चमका। इनसे बात करना चाहता हूँ गुलाम रसूल साहब से। क्या नाम? जी मेरा नाम जी गुलाम रसूल। जी जी प्रधान जी, मैं जानना चाहता हूँ जिस प्रकार से आपने देश की सेवा की है जी, तो आपने आपका मन जिस आपकी जनता आपको प्रधान बनाएगी, आपको निर्देश देगी जी, तो जिस प्रकार से आप देश की सेवा किया है, क्या ग्राम सभा के लोगों की सेवा करते रहेंगे? जी बिल्कुल करता रहूँगा और मेरी यही ख्वाहिश है जी कि मैंने 26 साल देश की सेवा की, तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ हमने सेवा की है वहाँ भी और यहाँ भी। मैं वही ईमानदारी के साथ मैं सेवा करना चाहता हूँ। प्रधानी का यह मतलब नहीं कि मैं प्रधानी जीत जाऊँ उसके बाद मैं मोटरसाइकिल लेकर के इधर उधर घूमता रहूँ। मैं हर हर दरवाजे पे जाता रहूँगा। मैं जानना चाहता हूँ जिस प्रकार से आप की जनता आपको आशीर्वाद देगी, प्रधान बनाएगी, निश्चित बनाएगी, तो आप सेवा करेंगे, तो मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आपने देश की रक्षा किया है, देश तो आपके जनता की पूरी भरोसा है कि आप मतलब विकास होगा, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से महामारी पूरे देश में फूटी है, तो आप पाक परवरदिगार आलम से मुल्क की सलामती के लिए क्या दुआ करते हैं? हमारे मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं अपने रब से यही दुआ करता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर कोई भी इस तरीके की बीमारी और महामारी ना आए जिससे कि हमारी जनता को खतरा बने। और मैं यही चाह रहा हूं और बार बार अल्लाह उसके रसूल से मैं दुआ करता हूं कि यह बीमारी बहुत जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। आप अपने भवानीपुर के ग्राम सभा की भोली भाली जनता को क्या अपील करना चाहते हैं, क्या उनको समझाना चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंस का कैसे पालन हो, किस प्रकार से? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग जो है बहुत ज़रूरी है। और देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी यही बात कही, खास करके हमारे मुख्यमंत्री जी भी यही बात कहे, और ये बहुत ही ज़रूरी है सोशल डिस्टेंसिंग। देखिए इसमें कोई ये नहीं है कि आप किसी के कहने पर कोई काम करें, आपको खुद अपने दिमाग से भी काम करना है कि हम थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बरकरार रखें। इंडिया तक चैनल के माध्यम से हमने देखना कार्य किया, इस कोविड-19 के चलते आपके लड़के द्वारा आप द्वारा जो है आपकी दिशा निर्देश द्वारा ग्राम सभा में ऐसे तमाम लोगों की मदद की गई है, गुप्त मदद की है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं फोटो खिंचवाने की बात करते हैं, लेकिन किस प्रकार से लोगों की मदद की, फोटो क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं फोटो नहीं खिंचवाना चाहता हूँ, मैं अपनी सिर्फ जनता को ये देखना चाहता हूँ हमारी जनता खुश रहे बस, बाकी फोटो से क्या लेना देना, फोटो क्या चीज़ है, हमारी जनता ही फोटो है जी, हमारे लिए तो हमारी जनता फोटो है।